तो मैं वर्कआउट कर रहा हूँ चेस्ट और बैक का। अगर आप लोग भी फॉलो करना चाहते हैं डबल शेड्यूल डबल वर्कआउट और डबल मसल कहते हैं, और चेस्ट बैक का या फिर बायट्रा या कोई भी डबल एक्सरसाइज फॉलो करना चाहते हैं, तो एक बात याद रखना, अगर आप फैट लॉस कर रहे हो और बिगिनर हो तो आपकी जो वर्कआउट की फ्रिक्वेंसी ड्यूरेशन है वो थोड़ी हाई रखना और इंटेंसिटी थोड़ी कम रखना। और अगर आपको 8 से 12 महीने एक साल हो चुका है वर्कआउट करते, अच्छे से थोड़े से एडवांस हो चुके हो, तो आप अपने वर्कआउट की इंटेंसिटी जो है बढ़ा सकते हो और ड्यूरेशन फ्रिक्वेंसी जिसे कहते हैं आप थोड़ी कम कर सकते हो। इससे आपके हार्ट रेट भी अच्छा होगा और फैट लॉस में आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। लेकिन फिर डाइट के साथ ही नहीं, डाइट करते नहीं हो, कुछ लोग वर्कआउट फॉलो करते रहते हो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलता, आप ब्लेम करते हो वर्कआउट को, डाइट पर भी ब्लेम जाता है फिर आप, क्योंकि आप में से कुछ लोग डाइट फॉलो करते नहीं और वर्कआउट पर ध्यान देते रहते हैं हमेशा। तो अगर जो लोग गेन करना चाहते हैं और गेन करने के साथ अगर उन्होंने अभी स्टार्ट किया वर्कआउट, तो उसमें भी यही प्रोसीजर चलेगा। अगर आप लोग वर्कआउट की थोड़ी अभी कुछ टाइम के लिए लंबा फ्रिक्वेंसी बढ़ा दें और जो इंटेंसिटी है थोड़ी कम रखो, क्योंकि आपकी बॉडी अभी नए नए जिम में आते हो इसके अकॉर्डिंगली नहीं चलती, वो जल्दी थक जाती है, इससे इंटेंसिटी थोड़ा हाई मत रखना अभी, और आपकी बॉडी इसको झेल नहीं पाएगी अभी स्टार्टिंग में। जो एडवांस होते हैं उसकी बॉडी को झेल लेती है इंटेंसिटी हाई, तो जो बिगिनर होते हैं उनको नहीं झेल पाती। तो अभी कुछ टाइम के लिए बिगिनर जो गेन करना चाहते हैं वो अपनी इंटेंसिटी को वर्कआउट की थोड़ी कम रखना, लो रखना, और फ्रिक्वेंसी ड्यूरेशन है जो उसको हाई रखना। और जो बंदे हो चुका है साल से 15 महीने हो चुका है वर्कआउट में और जो गेन करना चाहता है अपने मसल को, वो इंटेंसिटी हाई कर सकता है डबल शेड्यूल के साथ, जैसे चेस्ट और बैक हो गया या बायट्रा हो गया, शोल्डर और लेग सिंगल सिंगल, क्योंकि वो बड़े मसल आते हैं। और कुछ लोग कहेंगे शोल्डर बहुत छोटा मसल है, बट एक्चुअल में देखा जाए वो बहुत बड़ा मसल है, छोटा नहीं है, लोगों को एक व्यायाम है। लेकिन एक तरीका होता है ना वर्कआउट को फॉलो करने का और कुछ मसल को किसके साथ टारगेट करना है, ये तरीका बिगनर्स को नहीं पता होता। तो जिनको एक साल से 15 महीने हो चुके हैं वो गेन करना चाहते हैं अपने मसल को और बॉडी को, और वो अपने वर्कआउट में इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं और जो फ्रिक्वेंसी या ड्यूरेशन वो थोड़ी कम कर लो, इससे तुम्हारा भी हार्ट रेट अच्छा होगा। लेकिन कार्डियो नहीं छोड़ना, कार्डियो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग सोचते हैं कि गेन करने के लिए कार्डियो छोड़ देंगे, कार्डियो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, कार्डियो भी उतना ही रोल आपको देता है गेन करने में जितना ही फैट लॉस में देता है। लोगों को ये मिथ है, जितना आजकल जो बिगनर्स है वो कहते हैं आगे सीधा वेट उठाते हैं बात खत्म, कार्डियो गया बाहर में, वो भी जरूरी होता है। अब तुम्हें 3 दिन करना चाहिए कार्डियो, कार्डियो करना चाहिए, वर्कआउट हमारा इनहेंस होता है, इससे जो हार्ट रेट होता है वो भी अच्छा होता है और गेन करने में भी आसानी होती है। ये मत समझना सिर्फ फैट लॉस के तौर पर कम होता है, तो इस बात को याद रखना, सिंपल मैंने समझाया। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि क्या सही है क्या गलत, जो मैं फॉलो करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। डेफिनेटली मेरे को रिजल्ट मिला तो आपको भी मिलेगा, अगर आप विद प्रॉपर डाइट को फॉलो करोगे तो। ये नहीं डाइट फॉलो करोगे नहीं वर्कआउट में ऐसे ही करते जाओगे चौधरी पहलते जाओगे फिर तो भाई तुम्हें रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, सीधी बात है। चलो ठीक है, मैंने चेस्ट और बैक अभी वर्कआउट कंप्लीट कर लिया है, मैं जा रहा हूँ घर और मिलते हैं आपको आगे, सी यू।